इस पाइथन ने अभी अभी भेड़िए का शिकार किया और वो इसे निगलने की कोशिश कर रहा है। पर आज पाइथन की किस्मत थोड़ी खराब है, इसके ऊपर कुछ शेरों की भी नजर है। पाइथन इस बात से बिल्कुल ही बेखबर है और अपने शिकार में बिल्कुल ही मस्त है। एक बार जब पाइथन इस भेड़िए को निगल लेगा तो ये बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाएगा और शेर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शेरों की नजर भेड़िए पर नहीं इस पाइथन पर है। शेर इस पाइथन को खाना चाहते हैं और यहीं से चालू होती है पाइथन की उल्टी गिनती। वैसे तो पाइथन काफी ताकतवर होता है, ये शेरों को भी अपनी कुंडली में लपेट कर इनका दम निकाल देता है। समस्या तब तैयार होती है जब पाइथन ने कुछ खाया हो। ये किसी चीज को खाने के बाद में ठीक से हिलडुल नहीं पाता है और शेर घात लगाकर इसी चीज का इंतजार करते हैं। पाइथन ने जैसे इस शिकार को निगला, शेरों ने इसके ऊपर जोरदार हमला बोला और इस हमले में होना कुछ नहीं था, पाइथन का खेल यहीं खत्म हो चुका था। जितना लंबा है पाइथन, ऐसे ही अपने लंबे हाथों से